जो मार्क्स मिले हैं पांच स्टूडेंट को अलग अलग पांच अलग अलग सब्जेक्ट में, वो कीवर्ड सेंटर कराने हैं, उसके बाद उसका एग्रीगेट मार्क्स आपको निकालना है, परसेंटेज निकालना है कितना निकला। और ये आप मान लीजिए कि जो स्टूडेंट है, जो भी सब्जेक्ट है, उसका मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 है, तो इसके लिए आप प्रोग्राम लिखिए। यहाँ पर आप एक बढ़िया सा कमेंट दीजिए ताकि आपको प्रोग्राम के बारे में पता चले क्या है। ये दोनों इंक्लूड करिए, stdio.h, conio.h। अब यहाँ पर हमने मार्क्स, क्योंकि पांच सब्जेक्ट है तो M1, M2, M3, M4, M5, क्योंकि सब्जेक्ट पता नहीं है, सब्जेक्ट क्लियर पता होते तो उसका नाम दे देते। ये AGGR आपका एग्रीगेट हो गया। अब क्या करेंगे कि जो परसेंटेज निकालना है उसको फ्लोट में लीजिए। मार्क्स जो है आप ये मान के चलिए कि अभी फिलहाल ये इंटीजर है, ये भी फ्लोट हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं, आपको 72.3 भी तो मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इंटीजर मानते हैं। लेकिन जो परसेंटेज है वो आपका इसमें आ सकता है, तो परसेंटेज फ्लोट में देखिए। आप बोलेंगे यूजर से कि पांच मार्क्स एंटर करिए, परसेंटी पांच बार दीजिए, यहाँ पर M1 से लेकर M5 तक आप पांच मार्क्स एंटर करा दीजिए, यानी कि यूजर पांच चीजें एंटर करेगा, पांच बार एंटर करेगा, और पांचों जो है वो इन पांचों में चीजें चली जाएंगी। उसके बाद AGGR दीजिए, सबको ऐड कर लीजिए और उसको पांच से डिवाइड कर लीजिए, जो भी AGGR है, ये आपका परसेंटेज हो गया। यहाँ पर आप दोनों को प्रेजेंट कर दीजिए, एग्रीगेट मार्क्स सबका AGGR, परसेंटेज आपका PER, और यहाँ पर बाहर निकल आइए।